क्वेश्चन नंबर फोर है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस आइदर ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन फोर सम इंटीजर एम ठीक है आपको क्या शो करना है कि कोई भी नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमें इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दिखाई देगा ठीक है तो हम इसमें क्या करते हैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए बी है इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू थ्री बिकॉज यहां पर हम यूज करने वाले हैं यूक्लिट्स एल्गोरिदम तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिट्स एल्गोरिदम हमारा जो फॉर्मूला है मेन वो क्या है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर क्या है आपका जीरो से बड़ा या इक्वल है बट लेस देन बी है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम माने देन ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर फोर सम इंटीजर क्यू क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो सकता है जीरो वन या फिर टू क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है कि बी इक्वल्स टू थ्री है और हमने यहाँ बताया कि जो हमारा रिमाइंडर है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता है तो बी हमारा थ्री है तो थ्री भी नहीं हो सकता है तो हमारा रिमाइंडर होगा यहाँ पे जीरो वन या फिर टू थीयर फोर ए इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस आर थ्री क्यू ओनली और थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू नाउ स्क्वांग बोथ साइड्स बिकॉज हमें स्क्वायर के लिए क्वेश्चन फाइंड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री क्यू का स्क्वायर और थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर और थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर सो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से हम थ्री को बाहर ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ हो जाएगा आपका थ्री और क्यू का स्क्वायर और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नाइन क्यू का स्क्वायर प्लस टू ए बी जो है हमारा या फिर हम इसको पहले वन इसके लिए राइट कर लेते हैं यानी कि वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा प्लस टू ए बी इट मीन्स टू थ्री जर सिक्स क्यू ठीक है और इसके लिए जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए थ्री थ्री जा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू टू ज फोर प्लस थ्री टू टूए सिक्स और टू जा एट टू इंटू थ्री इंटू टू यानी कि थ्री टूएल सिक्स टू जा ट्वेल्व क्यू ओके अब यहाँ पे क्या करना है हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से हम थ्री बाहर निकाल रखा हमने तो ये हो गया हमारे लिए थ्री क्यू स्क्वायर ठीक है और यहां से भी हम थ्री क्यू को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए थ्री क्यू ओनली वी हैव टू कॉमन थ्री बिकॉज यहाँ पे थ्री कॉमन आया तो यहाँ पे भी हमें थ्री ही कॉमन लेना है ठीक है तो ये जगह थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन और यहाँ पे आपका अगर थ्री कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके लिए थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन ठीक है और यहाँ पे आपका प्लस वन तो यहाँ पर ये यह जो वैल्यूज हमारी बनकर आई हैं वो क्या है एम और थ्री एम प्लस वन ठीक है तो जब हमने यहां पे देख लिया वेन एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है हैंड्स इट कैन बी सैड दैट The square of any positive integer is either of the form M or three M. थ्री एम और थ्री एम प्लस वन ओके तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर नौ सीधा क्वेश्चन नंबर फाइव ये आपको होमवर्क में करना है यूज यूक्ट डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ दाइन एम थ्री एम नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट इसे मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ ठीक है ये वाला क्वेश्चन है और इसे आपको क्या करना है होमवर्क में करना है और अगर आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाता है तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं ठीक है ठीके? और अगर नहीं होता है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी ठीक है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ बनी रहूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं आप लोगों को मैथ्स सॉल्व करने में और मैथ्स आपको मैं इस इजी वे के थ्रू सॉल्व करवाऊंगी कि मैथ्स आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट लगने लगेगा जो भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं या सोचते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप लोग मैथ्स को अच्छे से पढ़ेंगे उसे एज अ गेम प्ले करके उसको आप देखेंगे आप उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट बन जाएगा और आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है तो जब तक मैं आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन का को सॉल्यूशन लेकर आती हूँ या मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स का सॉल्यूशन देती हूँ तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ओके तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टाटा नाइस डे एंड टेक केयर ओके